नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। दीक्षा ऐप पर 6 नए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसको सभी शिक्षकों को 31 जुलाई 2021 तक पूरा करना है। यह सारे कोर्स 3 मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह पर आधारित हैं। आज हम दूसरे कोर्स कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, इससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब कक्षा कक्ष बहुत छोटा हो, बच्चों की संख्या कक्षा में 5 से कम हो, बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो, एक कक्षा में 2 शिक्षक मौजूद हो। इसका सही जवाब है बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्पों के चयन कीजिए। पहला कथन है, शिक्षकों को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। दूसरा कथन, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बिठाना चाहिए। तीसरा कथन, पढ़ने लिखने में तेज बच्चों को एक साथ बिठाना चाहिए। इसका सही जवाब है कथन 1 व 2 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का परिणाम होता है, सभी बच्चों समूह तथा शिक्षक सामग्री आसानी से पहुंच जाते हैं, छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है, बच्चे समूह में कार्य करना सीखते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक अप्रभावित करता है, प्रभावित करता है, भागीदारी को घटाता है, आंशिक रूप से प्रभावित करता है। इसका सही जवाब है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है। बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बिठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना, बच्चों को कभी कभी छोटे समूह में बिठाकर शिक्षण कार्य करना, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर शिक्षण करना, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बिठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना। अगला प्रश्न देखते हैं, कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा में कहाँ बिठाना चाहिए। ऑप्शंस हैं, सबसे पीछे की पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति में, जहाँ वो बैठना चाहते हैं वहीं पर, प्रथम पंक्ति अथवा श्याम पट के निकट। इसका सही जवाब है प्रथम पंक्ति अथवा श्याम पट के निकट। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करनी चाहिए कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें, सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिल सके, शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएं, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप, पाठ्यक्रम के अनुरूप, श्याम पट के अनुरूप। इसका सही जवाब है गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कभी कभी छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है? हाँ, नहीं, इसे मात्र बैठक व्यवस्था कहा जाएगा, इसे मात्र कक्षा प्रबंधन व्यवस्था कहा जाएगा। इसका सही जवाब है हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीक है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है? इसके ऑप्शंस हैं, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, रोचक प्रस्तावना, रोल प्ले, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। इसका सही जवाब है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। अब आप सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे और आपके कितने अंक आए वह दिख जाएगा। अगर आप दोबारा इस प्रश्नोत्तरी को करना चाहें तो रीडू के बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।